क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का केस। नहीं रुक रही तेज प्रताप यादव और धीरेंद्र शास्त्री की जंग। धीरेंद्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर तेज प्रताप ने किया ट्वीट। बिहार में आनंद मोहन समेत 26 कैदी हुए बरी। दो बाहुबली की रिहाई की भी उठ रही है मांग। गया में विश्व हिंदू संगठन ने किया समलैंगिक विवाह का विरोध। हस्ताक्षर अभियान चलाने की कर रहे हैं तैयारी। नालंदा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मनाया मजदूर दिवस। मजदूरों की समस्याओं पर की गई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुख करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव बनाम धीरेन्द्र शास्त्री की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तेज प्रताप यादव पटना आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर को जवाब देने की तैयारी में लगे हुए हैं। तेज प्रताप ने पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दी थी कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं या हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ जाऊंगा। हाँ, अगर भाईचारे का संदेश लेकर आएंगे तो बिहार में उनकी एंट्री हो सकती है। बता दें कि 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम के लिए पटना आने वाले हैं। वहीं नालंदा के राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के 3 दिवसीय राजनीतिक चिंतन शिविर का समापन हो गया। समापन भाषण के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ता 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर राजगीर से संकल्प लेकर जाएं ताकि पार्टी मजबूत हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से चुनाव में हमको जातिगत समर्थन नहीं मिला जिसके चलते उन्हें निराश होकर पार्टी का विलय करना पड़ा, लेकिन इस बार किसी भी परिस्थितियों में पार्टी का विलय नहीं होने देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में सुशासन सरकार नीतीश कुमार को कहने का हक नहीं है क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार में हर योजनाओं में नेताओं और उनके अधिकारियों का कमीशन बंधा हुआ है। चली गई आपका है। और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेके चलेगा और नहीं जाएंगे, आपको भी पानी में लेके चलेगा। तो आप बैठ ही गए हैं तो क्या किया? अरे यहाँ पे जो ताला पर बैठते थे हम लोग को भी अच्छा लगता है। राजगीर में पहले से भी हुआ, हम भी आए थे उनके साथ तो ताला पर बैठे थे।
वहीं आज नालंदा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में शहीदों को पुष्प अर्पित कर मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री संजय कुमार ने कहा कि शहीदों के अरमानों को किसी भी सूरत में मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने मजदूरों की समस्याओं पर कहा कि आज हमारे न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भी भुगतान नहीं हो रहा है, पुरानी पेंशन भी नहीं दी जा रही है। वहीं मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है, लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, इस नारे के साथ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया। मजदूरों की कई समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर कीजिएगा? मजदूरों की समस्याएं हैं और दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ता जा रहा है। आज न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, पुराना पेंशन नहीं दिया जा रहा है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, अनेक समस्या है जिसका समाधान के लिए। अगली खबर मुजफ्फरपुर के अय्यारपुर थाना क्षेत्र में से है, जहां कुछ बदमाशों ने एक व्यवसायी से लूटपाट कर गोली मार कर घायल कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। वहीं अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने हथियार, शराब और स्मैक भी जब्त किया है। का कहना है कि 7,000 रुपए इन्होंने लिए थे, प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोगों के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था, तो वहाँ पर ये रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है, और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के रूप में अपनी कांडदनकी में दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। घटना के पीछे मोटिव क्या था जो पूछताछ? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये असम से केदारनाथ धाम की यात्रा साइकिल से तय कर रहे बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर के मंदिर पहुंचे। बता दें कि बाबा गरीबनाथ समेत 3 लोग असम के जोरहट से साइकिल यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। साइकिल ट्रैवलर ने बताया कि ये यात्रा 45 दिनों की होगी, जो कि असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। गरीबनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के पहले उन्होंने देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। वहीं गरीबनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रशासक पंडित विनय पाठक ने सभी को माला पहनाकर सफल यात्रा का भी आशीर्वाद दिया। साइकिल से पहली बात प्रदूषण नहीं होता है, उससे हमारी कुदरत की सुरक्षा होती है और हमारे शरीर भी अच्छा रहता है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है, वही सब बात है। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? हम उन लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि साइकिल चलाओ और स्वास्थ्य की सुरक्षा की स्वस्थ रहो। हाँ, क्या नाम हो गया? त्रिवासी सोया। यात्रा करके 3200 किलोमीटर की यात्रा जो 45 दिन में पूरा करेंगे, माँ कामाख्या की धरती असम से केदारनाथ की धरती पे जाकर बाबा भोलेनाथ, बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उसी क्रम में यह गरीबनाथ मंदिर मेरे आगरा पहिया लोग आए और मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रशासक पंडित विनय पाठक जी ने इन सबों का अंग वस्त्र उड़ाकर माला पहनाकर सम्मानित किया और शुभ यात्रा का आशीर्वाद दिया। और साथ ही मैंने इन तीनों से आग्रह किया कि जब आप केदारनाथ की यात्रा पूरी करके 5 राज्यों की। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुँचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। समलैंगिक विवाह विश्व हिंदू संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में बिल पारित ना होने पर इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद संगठन गया में हस्ताक्षर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है और जनप्रतिनिधि से भारतीय संस्कृति को बचाने की भी अपील कर रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू संगठन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने की बात कही है। गया शहर के निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समलैंगिक विवाह को विश्व हिंदू परिषद संगठन विरोध कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह बिल पारित होने की तारीख सुनिश्चित कर ली गई है। इसका विरोध कर घोर निंदा करते हुए ये निंदनीय है। 16 देशों में अभी समलैंगिक विवाह का मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत अपना वह देश है जिसमें हम वो सनातन धर्मी पलते बढ़ते हैं, जहां की कुछ सभ्यता और संस्कृति है, और विदेशी के षड्यंत्रों के द्वारा ये भारत की संविधान और संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के दृष्टिकोण से ये कानून भारत में भी लागू करवाने के लिए कुछ उपद्वरी विचार वाले लोग, षड्यंत्रकारी विचार वाले लोग जो उच्च न्यायालय में भी बैठे हैं, वो इस कानून को पालन कराने में लगे हैं और उसके सहयोगी भी उनके रखी हुई है, तारीख रखा हुआ है। तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, ये सभी लोग समलैंगिक विवाह के मान्यता देने से के विरोध में, हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने सोचा है कि इसका एक विरोध किया जाए। हमारे जितने भी साधु संत समाज हैं, जो कि एक ये एक सामाजिक रीति नहीं है, ये असामाजिक, और एक इसके विरोध में हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है अभी और विरोध जताई है, और हम लोगों को ये माध्यम से बताएंगे। वहीं गया में गेस्ट हाउस के संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी। बता दें कि कुछ बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं घायल को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक स्टेशन रोड में रह रहे पाल गेस्ट हाउस के संचालक चंदन दुबे बोध गया से बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान पहाड़पुर रोड नंबर 3 के पास बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। वही घटना की जानकारी के बाद मगध मेडिकल थाना की पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। जी, उसका विरोध करने वाला घर से लौट रहे थे जी। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों ने गोली चलवाया मेरे ऊपर। किन पर शक है? रोशन यादव पिता मनोज यादव, स्वर्गीय मनोज यादव कुल्हाड़ा, आत्म तिवारी स्वर्ग, उनके पिता का नाम मालूम नहीं, और एक है सुनील यादव, उनके पिता का नाम सुनील यादव है। लोग हैं, दो अन्य लोग हैं जो पहाड़पुर के निवासी है, छोटू और रोशन। उन लोग का ही काम है वो माफिया लोग से मिल के सम्मिलित होकर जेल पर कब्जा कराना। मैंने आज विरोध किया 100 नंबर फोन करके। पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 गया के रहने वाले थे। वहीं मृतक 5 लोगों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल है। बता दें कि सभी मृतक गया जिले के कौंच थाना क्षेत्र के मंझियावा धनु बीघा गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही घर में रह रहे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कविलाश यादव पेशे से डॉक्टर थे और पंजाब के लुधियाना में रहते थे। स्क्वायर कर गए हैं पूरा फैमिली जी। इन लोग कब से रह रहे थे?
इन लोग तो रह रहे थे कम से कम 20-21 साल से। अच्छा, यहाँ पे अंतिम कब आए थे? यहाँ अंतिम पिछले महीना में। पूरे परिवार के साथ? नहीं, पूरे परिवार नहीं, दो आए थे, पत्नी जी उनका लगता। पांच लोग। और इन लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मंझियामा धनी बीघा के। अच्छा, कहाँ में रहते थे इन लोग? लुधियाना। क्या करते थे वहाँ? निजी क्लिनिक साइट था। अच्छा अच्छा, घटना के कारण क्या है? गैस लीक होने के कारण गैस। वहीं बिहार जेल कानून में संशोधन के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को पिछले हफ्ते बरी कर दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब बिहार में दो अन्य बाहुबली नेताओं अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की मांग हो रही है। वहीं 26 कैदियों की रिहाई के बाद से लगातार नीतीश सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह 1995 में जनता दल विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे। बाद में झारखंड हजारीबाग जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। वहीं अनंत सिंह के प्रेतक आवास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी, जिसके बाद से वह पटना के बेयर जेल में बंद है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।